हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भुजा 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 समरूपता प्रमेय यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम को देखने वाले। क्या है इसका स्टेटमेंट? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो यानी एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है? दो त्रिभुज है, मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेता हूँ, एक ए बी सी और दूसरा हम लोग त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका डी ई। क्या दिया हुआ है हमारे पास? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो यानी एक ही अनुपात में। तो यानी ए बी बटा में हम लोग डी संगत भुजाएं ले लेते हैं, बी सी बटा में ई एफ और AC बटा में DF दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई, कि त्रिभुज समरूप होगा, ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। देखिए हम लोग पढ़े हुए समरूपता में त्रिभुज की समरूपता से संबंधित एक जो कथन था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण बराबर। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, हमें क्या करना होगा, पहले संगत कोण को बराबर दिखाना होगा तब जाके वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलिए तो इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से लिखते हैं डी से, यहां पर डी पी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी खींचे। अब ये कहां खींच रहे हैं देख लीजिए, इधर मान लीजिए यहां पर पी है, इधर क्यू, ठीक है। हमने क्या किया, DP बराबर AB और DQ बराबर में AC और P से Q को मिला देते हैं, तो इसको डॉटर लिख देते हैं, तथा PQ को मिलाया, ये काम हम लोग किए हुए। चलिए इतना रचना में कर दिए, अब इसका मैं यहां पर प्रमाण दिखाता हूं। हम लोग यहां पर देख रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज डी ई एफ में दिया हुआ है कि ए बी बटा में डी ई बराबर है बी सी बटा में ई एफ बराबर है ए सी बटा में डी एफ, यह दिया है। हम इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी बटा में डी ई बराबर में ए सी बटा में डी एफ, इसको हटा दिए, ये दोनों भी तो बराबर हो सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास रचना से है कि ए बी जो है डी पी के बराबर है और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है। तो यहाँ ए बी को हटा देते हैं, ये भी ऊपर है, ए बी को हटा कर लिख देते हैं डी पी बटा में डी एफ डी ई सॉरी, और यहाँ पर ए सी को हटा कर लिख देते हैं डी क्यू और बटा में है आपका डी एफ। dp बटा में d और dq बटा में df बराबर हो रहा है, यहां पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, यहां से pq समांतर हो जाएगा ef। हम लोग देखे थे ना कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा एक ही अनुपात में उन दोनों भुजाओं को विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से। हमने देखे थे ना थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम लिखना अच्छा रहेगा, विलोम से यहाँ ये समांतर हो जाएगा। अच्छा DP जब EF के समांतर हो गया तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, एंगल DPQ बराबर में एंगल E कर देते हैं तथा एंगल DQP बराबर में एंगल F कर देते हैं। ये दोनों संगत कोण के युग्म में इसलिए बराबर हो रहे, समांतर है और ये संगत कोण के युग्म है इसलिए बराबर हो जा रहा है। अच्छा हम इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज में देखें, यहां पर संगत कोण बराबर हो, इस त्रिभुज में देखो डी पी क्यू में और डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो हम लोग देख रहे हैं यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो गए तो यहां से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, है ना जी, एंगल एंगल समरूपता से।
हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना जी। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में होती है ना जी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका इस त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए डी पी, तो बड़े वाले की हो जाएगी डी ई। इस त्रिभुज की भुजा लेते हैं पी क्यू, तो इस बड़े वाले की हो जाएगी ई एफ। देख रहे पी क्यू, तो इसमें का ई एफ, इसमें ले लेते हैं डी क्यू, तो यहां हो जाएगा आपका डी एफ। ठीक है, अब चूंकि रचना से हमें दिया हुआ है कि डी पी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा में डी ई, पी क्यू बटा ई एफ ऐसे ही रहने दो, और डी 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 क्यू के जगह पे ए सी लिख देते हैं, ए सी बटा में डी एफ, समीकरण एक ले लो। और चूंकि हमारे पास ए बी बटा डी ई बराबर आपका बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ, ये दिया है, इसको समीकरण दो कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों समीकरणों से, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा इन दोनों समीकरणों से? यहां से देखो, यहां सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे पी क्यू है। यहां से एक तथा दो से क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। बी सी किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के। अब देखिए यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हमने बी सी पी क्यू के बराबर कर दिया। अब देखते हैं, ये प्रमाण ही में यही देख रहे हैं अभी हम लोग, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में हमने यहां पर ए बी बराबर दिखाया है डी पी, ए सी बराबर दिखाया है डी क्यू, ये दोनों रचना से था, और तीसरा अभी हमने दिखा दिया कि बी सी बराबर है पी क्यू के। तो दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होगी तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के, सर्वांगसम हो जाएगा, भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है, ये सर्वांगसम कर रहे हैं हम लोग, सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर में एंगल डी पी क्यू, एंगल सी बराबर में एंगल डी क्यू पी, ये सभी सी पी सी टी से है ना जी। अब देखिए, चूंकि हम लोग पहले दिखा चुके हैं यहां पर ये एंगल डी पी क्यू बराबर है एंगल ई के तथा एंगल डी क्यू पी बराबर है एंगल एफ के, यहां दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां से इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा? डी पी क्यू, ये भी डी पी क्यू, तो बी ई के बराबर हो जाएगा, और डी क्यू पी, डी क्यू पी सी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी कि हो जाएगा, इसलिए एंगल ए डी के बराबर तो है ही, इसको रहने देते हैं, दूसरे को लिखो ना, काफी हो जाएगा। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एफ के, तो दूसरे को कोण बराबर, तीसरा तो ए डी के बराबर है ही, और दो भी कोण से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता, नहीं तो एंगल ए बराबर एंगल डी भी लिख दो, यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन दो ये को चीज से हो जाएगा, समरूप हो गया। तो हमने समरूप कर दिया, कैसे? एंगल एंगल समरूपता, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से, या हम लोग ये भी कर सकते थे कि दो को कोण बराबर हो गए संगत कोण, इसलिए समरूप हो गया, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, या त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा से, इसलिए क्योंकि संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है, संगत कोण बराबर आ गए,
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण बराबर हो गया, इसलिए समरूप हो गया। या दूसरा तरीका वो था, दो को कोण बराबर दिखे तब भी समरूप हो गया। तो इसको आप लोग कर लेंगे अच्छे से आज की क्लास में, इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रवि कांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आपको सारे पेड कोर्सेस अवेलेबल है। जल्दी से कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कीजिए।